हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। साउथ सुपरस्टार प्रभास की अपकमिंग फिल्म सालार बीते कई दिनों से चर्चा में बनी हुई है। जब से दर्शकों को ये पता चला है कि प्रभास की ये फिल्म केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत नील डायरेक्ट कर रही हैं, तभी से लोगों में इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। वहीं अब लीजिए, इस फिल्म के मेकर्स ने अपनी इस फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान भी कर दिया है। प्रभास की ये मोस्ट अवेटेड फिल्म अगले साल 2022 में रिलीज होगी और तारीख है 14 अप्रैल। इस फिल्म का ऐलान होने के साथ ही जहां इस फिल्म के इंतजार में बैठे फैंस खुशी से झूमने लगे हैं, तो वहीं इस फिल्म की रिलीज डेट के ऐलान के साथ ही बॉलीवुड स्टार वरुण धवन की चिंता बढ़ गई है। दरअसल ठीक इसी दिन वरुण धवन और कृति सेनन की हॉरर कॉमेडी फिल्म भेड़िया भी रिलीज हो रही है। वरुण और कृति की ये फिल्म दिनेश विजान के प्रोडक्शन तले बनने वाली है। इस फिल्म को स्त्री फेम डायरेक्टर अमर कौशिक ही डायरेक्ट कर रही हैं। इस फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान बीते दिनों ही एक धमाकेदार टीजर रिलीज करके किया गया था, लेकिन अब साउथ के सुपरस्टार प्रभास के ठीक इसी दिन थिएटर्स पहुंचने की आहट से वरुण धवन की फिल्म के मेकर्स की बेचैनी जरूर बढ़ने वाली है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में वरुण अपनी फिल्म की रिलीज डेट में कुछ बदलाव करें, लेकिन अभी ये क्लैश जरूर फैंस के बीच खलबली मचाने वाला है। वैसे भी प्रभास की दीवानगी फैंस में वरुण धवन से कहीं ज्यादा है। अगर ये क्लैश हुआ तो वरुण धवन को बॉक्स ऑफिस पर नुकसान झेलना पड़ सकता है। बात करें प्रभास की, तो उनकी हर फिल्म पर दर्शकों की पैनी नजर रहती है। वो अपनी बैक टू बैक कई फिल्मों को लेकर बिजी है। एक और वो जहां जल्द ही ओम राउत की फिल्म आदि पुरुष को लेकर चर्चा में है, तो वहीं इसके अलावा नाग अश्विन के डायरेक्शन में बनने वाली साईफाई फिल्म को लेकर भी दर्शकों में एक्साइटमेंट है। इस फिल्म में वो सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और दीपिका के साथ ऑन स्क्रीन दिखाई देंगे। वरुण धवन की बात करें तो वो कियारा के साथ जुग जुग जियो, एक किस और सनकी जैसी फिल्मों में नजर आएंगे। वैसे आप बॉक्स ऑफिस पर होने वाली प्रभास और वरुण धवन की टक्कर को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।